नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मणिपुर में सुरक्षा बलों और उपद्रवियों के बीच चल रही मुठभेड़ में अब तक करीब 54 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी हमले में चंदौली के चकिया कोतवाली के रसिया गांव के लाल आलोक राव, जो असम राइफल्स में थे, लड़ाई के दौरान सीने में गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। उनका कोलकाता में इलाज के दौरान बुधवार को निधन हो गया। मणिपुर में पिछले दिनों नक्सली मुठभेड़ में घायल चकिया के जवान आलोक राव की बुधवार को इलाज के दौरान जान चली गई। कोलकाता स्थित कमांड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को लाया जाएगा पार्थिव शव। शहीद का पार्थिव शव गुरुवार को कोलकाता से पोस्टमार्टम के उपरांत बाबतपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा। रसिया गांव निवासी विजय कुमार के दो बेटों में बड़े पुत्र अतुल राव सहायक अध्यापक है और छोटे पुत्र आलोक राव असम राइफल्स में तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती मणिपुर में थी। पिता पीएससी प्रयागराज में तैनात हैं। भरी जवानी में बेटे की शहादत से पिता विजय कुमार टूट गए हैं। तन्हाई में खामोश बैठे हुए घर पर जब भी बेटे की याद आती है तो उनका ध्यान टूटता है और वो फवक कर रो पड़ते हैं। बिना कुछ बोले उनकी आंखें अचानक से नम हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश, जो शहीद हुए हैं, क्या लगते हैं आपको? हमारे भाई लगते हैं। कहाँ पोस्टिंग थी और कब की घटना है? उनकी आसाम में पोस्टिंग थी, अगरतला जिले की, और मणिपुर में वो मुठभेड़ में मारे गए। 10 तारीख उनका गोली लगी। कहाँ इलाज चल रहा था उनका? कलकत्ता में चल रहा था उनका इलाज। सरकार से क्या मांग है आपकी? यही कि उनके नाम से पार्क वर्क बनाया जाए और जो है कि हमारे गांव को अच्छी सुविधा मिले और उनको सम्मानजनक स्थिति से देखा जाए। क्या नाम है? रिंकू विश्वकर्मा। रिंकू, आपके गांव में एक जवान जो शहीद हुए हैं, कहां उनकी पोस्टिंग थी और कब की घटना है? देखिए, वो देश की सेवा करते हुए असम राइफल का जवान था और इतनी छोटी उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। आतंकियों द्वारा उसको गोली लगी थी 10-11 तारीख को, और 2 दिन पहले कलकत्ता में उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही आशा है और हमारी मांग है कि जिस तरीके से इस जवान ने देश को अपनी कुर्बानी दी, उसको वैसा सम्मान मिलना चाहिए जिससे कि ये पूरा क्षेत्र उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखे। शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पे पैतृक निवास पे आने की कब तक सूचना है? लगभग 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। परिजन भी गए हैं वहाँ पे? जी, वहाँ उनके पिताजी जो पीएससी में हैं। अभी तक शहीद के गांव में कोई शासन से अधिकारी कर्मचारी या राजनेता कोई आया था यहाँ पे? अभी एमडीएम महोदय आए थे, सीओ साहब और इंस्पेक्टर रिजवान जी आए। क्या बताए लोग, क्या बोले? नहीं, अभी सारी व्यवस्थाएं देखकर गए हैं। अब पार्थिव शरीर आने के बाद देखिए फिर क्या। चंदौली से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।